अगर आप स्किन लाइट क्रीम विदाउट साइड इफेक्ट यूज करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। ए दोस्तों, इंडियन प्रोडक्ट में आपका स्वागत है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में स्किन लाइट क्रीम को कैसे सेफली यूज करने के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, इसका रिव्यू आपको मिल जाएगा पुराने वीडियोस में। और इसका प्राइस है 165 रुपीस और ये आपको मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, मैं इस क्रीम के बारे में आपको और जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे हैं और हो रहे हैं और सूरत ख़राब हो रही है। उसका एक कारण है कि आप असल में ये एक फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये आपके स्किन को फेयर नहीं करती है। और दूसरी बात ये है कि वो लोग कंटिन्यूसली इस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। जिन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं आपको इस क्रीम सेफली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप इस क्रीम को ऐसे इस्तेमाल कीजिए जैसे अगर आप इस क्रीम का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट जान लीजिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपकी त्वचा जल जाएगी और काली हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं इसको सेफली यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देख सकते हैं इस क्रीम का कॉटन क्रीम ऐसे दिखती है अंदर से ट्यूब में। अब बात करते हैं इसको कैसे सेफली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस क्रीम को वीक में सिर्फ 3 टाइम्स यूज़ करना होगा। हाँ दोस्तों, सिर्फ वीक में 2 टाइम्स। आप 2 दिन छोड़कर 1 दिन लगाए, 2 दिन छोड़ दीजिए और तीसरे दिन इस्तेमाल कीजिए, फिर 2 डेज गैप इसको लगाने से। और आप इस क्रीम को ऐसा इस्तेमाल कीजिए जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। अगर आप ये क्रीम ले लिए है, ये आपका फेस है, तो आप इस क्रीम को हल्के से ऐसे मसाज कीजिए। और आप अगर जो एग्जिस्टिंग क्रीम है आप उसे पोंछ लीजिए। एग्जिस्टिंग क्रीम, जो क्रीम स्किन में अब्जॉर्ब हो चुकी है वो अब्जॉर्ब हो चुकी है, उसके बाद आप कपड़े से या पेपर से पोंछ ले सकते हैं, नैपकिन से। और दूसरी बात, आप ये क्रीम लगाए बाद दूसरे दिन आपको एक सन क्रीम लगाना होगा। और इसका बेस्ट टाइम है नाइट टाइम, इस क्रीम को इस्तेमाल कीजिए और दूसरे दिन आपके फेस पर सन लोशन लगाना होगा। आप दूसरे दिन आप सन लोशन लगाइए और तीसरे दिन आप वीको टर्मरिक क्रीम या एलोवेरा जेल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा जेल तो आप रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, रोज़ाना मॉर्निंग रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। या फिर आप इस क्रीम को लगाने से पहले कुछ एक 2 आवर्स पहले एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगाइए और उसके बाद इस क्रीम को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट कम होगा और आपकी स्किन को कम साइड इफ़ेक्ट्स होगा और आप इस क्रीम को सेफली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में मैंने जो स्टेप्स बताए हैं, आप उन सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको जो स्टेप्स बोला है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखेंगे। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, ये वीक में 3 टाइम्स इस्तेमाल करना होगा। और आप जो दिन ये क्रीम यूज़ नहीं कर रहे तो आप अपने फेस पर सन क्रीम लगाइए और 2 आवर्स पहले आप अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाइए ये क्रीम इस्तेमाल करने से पहले। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन इसको कम अब्जॉर्ब करेगी और आपको ब्राइटर लुक देगी और आपकी
स्किन पर साइड इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।